विदिशा में 14 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम के लोकार्पण के मौके पर संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी शादो सुषमा स्वराज से भिड़ गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सुषमा जी मेरी धृष्टता को माफ करें, लेकिन यह कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऑडिटोरियम निर्माण के लिए आपने रेशो के मुताबिक राशि नहीं दिलवाई और ऑडिटोरियम का निर्माण भी गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इसके निर्माण में 9 करोड़ और राज्य सरकार को 6 करोड़ का बजट देना था, लेकिन अफसोस है कि अभी तक सुषमा जी आपने केंद्र से सिर्फ 2 करोड़ का बजट ही दिलवाया, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उनके भाषण के साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी और माहौल बहुत खराब हो गया। सुषमा स्वराज ने भी शादो पर हमला करते हुए कहा, ऑडिटोरियम के निर्माण में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए के बजट की कमी थी और यह राशि भी उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करके दिलवाई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।